इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में आपकी गरिमामय उपस्थिति से हम सब आह्लादित हैं। स्वागत है माननीय आपका। मान्यवर, कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हम अपने आदरणीय सचिव स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग श्रीमती अनीता करवल मैम से अनुरोध करते हैं कि वे साक्षरता पर्व में 20 वक्तव्य देकर हमें अनुग्रहित करें। मैम नमस्कार। सर, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री जी, यहाँ पर पधारे सारे ऑफिसर्स, प्रोफेसर दुबे जो आज हमारा कीनोट एड्रेस दे रहे हैं, यूनिसेफ के रिप्रेजेंटेटिव्स और हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे ऑफिसर्स, ऑटोनोमस बॉडीज, रीजनल ऑफिसर्स और इसमें आए हुए हमारे पार्टिसिपेंट्स। सर, ये साक्षरता दिवस जो हम आज मना रहे हैं, इसमें खास करके आज ये बहुत क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये NEP के बैकड्रॉप में आ रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो जुलाई में लॉन्च हुई है, उसमें एक पूरा चैप्टर इसके ऊपर डिवोटेड है, एडल्ट एजुकेशन के ऊपर। उसमें ये मानना है कि जब तक हम अपने एडल्ट्स को नहीं पढ़ाएंगे, हमारे बच्चों की शिक्षा इतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितना कि हम चाहते हैं। बच्चों के अगर माँ बाप अनपढ़ हों या उनके सराउंडिंग्स में, उनके एनवायरमेंट में लोग अगर लिटरेट नहीं हो, तो बच्चों का वो एक्सपोजर नहीं हो पाता है नॉलेज से जो हम चाहते हैं। इसलिए एडल्ट एजुकेशन उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि चिल्ड्रंस एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन होता है। सर, एडल्ट एजुकेशन के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो 2-3 चीजें बिल्कुल नई उसमें समावेश की गई हैं, उसमें NCERT को एक ये सबसे पहली बार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि एडल्ट एजुकेशन का नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाएंगे। ये फ्रेमवर्क भारत में पहली बार बनने वाला है। इस फ्रेमवर्क के तहत फिर प्राइमर्स और टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनेंगे। NCERT को ये भी जवाबदारी दी गई है कि NCERT के अंदर एक यूनिट स्पेशली डिवोटेड टू एडल्ट एजुकेशन तैयार किया जाएगा और ये यूनिट जो है फिर एडल्ट एजुकेशन की कार्यवाही को मॉनिटर भी करेगी और करिकुलम के लिए नया नया ऑनलाइन और ऑफलाइन मटेरियल तैयार करने की जिम्मेदारी भी लेगी। इस पॉलिसी में सर ये भी कहा गया है कि जो लिटरेसी है, एडल्ट लिटरेसी, वो कम से कम 5 एरियाज में हमें आगे बढ़ाना होगा और वो 5 एरियाज के अलावा भी जो एरियाज हैं उनके ऊपर भी हम फोकस कर सकते हैं। जो सबसे पहला एरिया है सर, वो बेसिक एजुकेशन का एरिया है, जो पढ़ना और लिखना एडल्ट सीख सके। दूसरा एरिया है सर फाउंडेशनल न्यूमरेसी और लिटरेसी का, जिसमें कि अगर बच्चे जो हैं आउट ऑफ स्कूल रह जाएं, उनकी उम्र निकल जाए, उनकी फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी को भी हम हाथ के ऊपर ले सकते हैं। तीसरा एरिया है सर डिजिटल लिटरेसी का, जो इस जमाने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चौथा एरिया जिसको फंक्शनल लिटरेसी बोलते हैं, जो रोज के रोज जो काम में आती है, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी है, जैसे अगर रूरल एरिया के लोग हैं तो एग्रीकल्चर के बारे में समझना, फर्टिलाइजर्स के बारे में समझना, फंक्शनल लिटरेसी का ये चौथा एरिया है। जो पांचवा एरिया है सर, वो स्किल का एरिया है। एक बार एडल्ट थोड़ा पढ़ लिख लें तो अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए, ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाए, जिससे कि उनको अच्छा काम मिल सके, जिसका अच्छा वेतन मिल सके, उस तरह का एरिया ये पांचवा एरिया है सर। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन पांचों एरिया को महत्व देकर के ये भी कहा गया है कि जितना हो सके टेक्नोलॉजी का यूज हम करें, यानी कि हम एप्स बनाएं जिससे लोग पढ़ सकें, हम ऑनलाइन मटेरियल दें जिससे लोग पढ़ सकें, हम लोकल कल्चर, इंडियन कल्चर, इंडियन लिटरेचर से जोड़ें एडल्ट्स को, ताकि उनको पढ़ने में एंगेजिंग लगे, उनको मजा आए वो पढ़ने में। और उसी तरह ये भी लिखा है कि हम लोकल लैंग्वेज, यानी कि जो उनकी खुद की मातृभाषा है, उसमें उनको पढ़ाने के लिए कार्यक्रम करें। तो सर, ये एक छोटी सी रूपरेखा थी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में है और इसी के आधार पर, इसी के एंटिसिपेशन में पढ़ना लिखना अभियान हमारा एक कार्यक्रम
हम लोगों ने तैयार किया है। इस अभियान में हम एनईपी के जो ये नए जो कुछ फोकस एरियाज हैं इनको भी हम जोड़ रहे हैं सर। इस अभियान की खासियत ये है सर कि इसमें एक एक एडल्ट का जो हमारे साथ जुड़ेगा उसकी मॉनिटरिंग स्टेट लेवल पे की जाएगी। जब से वो जुड़ा है वो तब से लेकर के वो एडल्ट जब तक लिटरेट नहीं हो जाता वो स्टेट लेवल पे आईटी बेस्ड मॉनिटरिंग करने का प्रावधान है सर। तो सर ये छोटी सी रूपरेखा हम मैंने दिया है सर। इसके आगे सर हम आपसे भी सुनेंगे और हमारे पास यहाँ पे सर एक एक्सपर्ट है प्रोफेसर दुबे जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आए हैं। सर इन्होंने हमें अभी इन्फॉर्म किया कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एक एडल्ट एजुकेशन का पूरा डिपार्टमेंट है जो ये काम कर रहा है। उसी तरह सर हमारे देश में सर यूनिवर्सिटी लेवल पे कई राज्यों में यूनिवर्सिटी लेवल पे एडल्ट एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स और भी हैं। जो इस पे काम कर रहे हैं सर हमारा पूरा एफर्ट रहेगा कि इनको भी हम साथ जोड़ करके आगे बढ़े सर। तो इसके साथ सर धन्यवाद सर और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। शुभांकर आप प्लीज टेक ओवर करें। धन्यवाद मैम, आपने अपने सारगर्भित वचनों से हमें उत्प्रेरित किया। हमारा मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। मान्यवर हमने प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता की यात्रा विषय पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसे आपके साथ हम यहां साझा करना चाहते हैं। आइए देखते हैं डॉक्यूमेंट्री लिंक। डॉक्यूमेंट्री हम पढ़ने नहीं पढ़ाने जा रहे हैं। अब हमने सब मिलजुल कर सबने पढ़ना है, साक्षर भारत बनाना है। पढ़ने लिखने से सब मेरी इज्जत करते हैं। इक्यावन की जनगणना के मुताबिक 18.3% देशवासी ही साक्षर थे। तभी से देश में लगातार नए कार्यक्रम नए प्रोजेक्ट्स चलाए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा नागरिक साक्षर बने। नौ में शुरू हुआ साक्षर भारत कार्यक्रम देश के कोने कोने तक पहुंचा। 14 भाषाओं और 28 बोलियों में लिटरेसी मटेरियल तैयार हुआ। 7,64,00,000 देशवासियों को बेसिक लिटरेसी असेसमेंट टेस्ट के बाद साक्षरता का प्रमाण पत्र मिला। इससे साक्षरता अभियान में नई ऊर्जा आई। इस सफर का हासिल ये, हर दशक में बढ़ते बढ़ते 2011 तक साक्षरता दर 72.98% पहुंच गई। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने भूमिका निभाई। महाराष्ट्र में साक्षरता दर 82.34%, हिमाचल प्रदेश में 82.80%, दिल्ली में 86.21%। साक्षरता का ये नया कीर्तिमान केरल में 93.94% तक पहुंच गया। केरल की इस सफलता का राज पूर्ण साक्षरता का प्रण। समाज के हर तबके के लिए अलग अलग साक्षरता कार्यक्रम, फिर चाहे वो अनुसूचित जाति और जनजाति हो, प्रवासी श्रमिक हो या ट्रांसजेंडर। कुछ
साल पहले केरल से एक नाम लगातार सुर्खियों में रहा, कार्तियायनी अम्मा। आइए आपको इनसे मिलवाते हैं। शिक्षा का उम्र से कुछ लेना देना नहीं, इसकी मिसाल कार्तियायनी अम्मा। 100 साल की उम्र को छूती अम्मा 4th कक्षा की छात्रा है, निरक्षर थी। 96 साल की उम्र में अक्षरों से पहला परिचय हुआ। एक दिन मैं घर के बाहर बैठी थी, एक टीचर आई, मुझसे पूछा अम्मा पढ़ोगी? मैंने कहा क्यों नहीं, जरूर पढ़ूंगी। अपनी उम्र को पीछे छोड़ जिंदगी जीत लेना चाहती हैं अम्मा, चाहती हैं वो और पढ़े। सांसों के साथ शिक्षा का सिलसिला चलता रहे। सागर किनारे अक्षर सागरम, यानी अक्षरों का सागर। केरल स्टेट लिटरेसी मिशन की योजना तटीय इलाकों के लिए। यहाँ पढ़ने वाले भी और पढ़ाने वाले टीचर भी सभी मछुआरों के परिवार से। आई बिलीव दैट आई कैन डू समथिंग फॉर दैट कम्युनिटी थ्रू लिटरेसी क्लासेस। अक्षर सागरम, एक कोशिश हर निरक्षर साक्षर बने। अब तो मैं पंचायत के फॉर्म खुद भरती हूँ, साइन भी करती हूँ, अखबार भी पढ़ लेती हूँ। केरल के बाद अब हमारी अगली मंजिल देश की राजधानी दिल्ली। यहाँ पर एक नया ही प्रयोग हुआ, दिल्ली स्कूल लिटरेसी प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े 106 स्कूल्स, 40 प्रिंसिपल्स और 5000 विद्यार्थी। इसके तहत दिल्ली के 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को साक्षर बनाया गया। हम बहुत अच्छे से उनको पढ़ाते हैं, हम उनको कहते हैं मन लगा के पढ़ो। मैं बहुत खुशनसीब महसूस करती हूँ कि मेरे को अपनी माँ की उम्र की औरतों को पढ़ाने का मौका मिला। साक्षरता की मशाल को यहाँ बच्चों ने संभाल दिया। अब मेरे को मोबाइल चलाने आ गए, अपना नाम लिखने आ गए। अब मुझे थोड़ा हिंदी पढ़ना भी आ जाता है, बस नंबर देखना भी आ जाता है। हम सब बहुत गर्व और खुश महसूस करते हैं, 1 पढ़ाए 5 को, 5 पढ़ाए 25 को। यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में शामिल है 2030 तक पूर्ण साक्षरता। हमें उम्मीद है कि 2030 से पहले ही हर भारतीय साक्षर होगा। पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य पाने में हमारे सिपाही होंगे स्कूलों के बच्चे, वॉलंटियर्स, आईसीटी टूल्स, ई मटेरियल और मोबाइल एप्स। साक्षरता अभियान जारी है, जारी रहेगा नई ऊर्जा के साथ। मान्यवर, उल्लेखनीय है कि निरक्षरता उन्मूलन की इस मुहिम में यूनेस्को की महती साझेदारी रही है। युवा और प्रौढ़ साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में यूनेस्को एक मार्गदर्शक का कार्य करता रहा है। इस अवसर पर हम यूनेस्को की प्रतिनिधि श्रीमती हुमा मसूद जी को, जो हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ी हैं, से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया डायरेक्टर जनरल यूनेस्को का संदेश पढ़ें। ओवर टू यू मैम। श्रीमती हुमा मसूद मैम, यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव। ओवर टू यू मैम। आदरणीय रमेश पोखरियाल जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आदरणीय श्री संजय धोत्री जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैडम अनीता कारवल जी, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, प्रोफेसर सेनापति जी, डायरेक्टर एनसीईआरटी, प्रोफेसर जे पी दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, श्री विपिन कुमार जी, जॉइंट सेक्रेटरी एडल्ट एजुकेशन एंड डायरेक्टर जनरल नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। आई एम हियर रिप्रेजेंटिंग मिस्टर एरिक फॉल्स, यूनेस्को डायरेक्टर एंड रिप्रेजेंटेटिव।
and Mr. Omar Diop, Chief of Education Sector, UNESCO New Delhi Cluster Office for South Asia. I would like to start with first congratulating the Government of India and especially the Honorable Minister of Education, Government of India, Sri Ramesh Pokhrialji, for the National Education Policy of 2020. Now, I will like to read the message of our Director General, Ms. Audrey Azoulay, Director General of UNESCO, on the occasion of International Literacy Day. I read. In celebrating International Literacy Day, we recall the fundamental right of everyone to develop the basic skills to read the world and write its future. Literacy, said Kofi Annan, former Secretary General of the United Nations, is the key to delivering the potential of every human being, the key to opening up a future of freedom and hope. However, despite UNESCO's continued commitment, historic literacy campaigns, national investments, and the immense progress made by the majority of countries, despite the tenacity of all those who work daily for literacy, too many children, adolescents, and adults are still deprived of this right. Some 17 million young people have not mastered basic literacy and numeracy skills, yet many of them are in school. There are further 773 million illiterate adults who are too often left behind. We must therefore redouble our efforts for these 1.4 billion people. This is all the more necessary as the educational crisis caused by the COVID-19 pandemic has jeopardized the progress made in recent decades. To overcome its consequences and continue to move forward, we need to focus on those who are on the front line, educators. We have seen their dedication during this unprecedented situation, but we also have witnessed their insecurity and deprivation. Since the daily work of teaching literacy, however essential it is, receives too little recognition and support. The first challenge is therefore to ensure that educators everywhere in the world are able to carry out their work under good conditions by increasing their numbers to meet needs, by paying them fairly, and by providing them with job stability. We also need to empower them. However, by training them and supporting them throughout their practice, they must be able to benefit from proven educational methods that aim to tackle the inequalities linked to age, gender, or specific vulnerabilities. This support must continue throughout their practice to enable them to develop and adapt in all circumstances, particularly in the face of upheavals such as school closures. This too, out of every three students in the world still unable to go back to school. Widespread training of educators in distance education solutions is essential. This exceptional situation has revealed in particular the full potential of new technologies. While these tools cannot replace the transmission of knowledge by humans, they can nonetheless be valuable allies. We must support their development and make them accessible to all learners. This will be an important aspect of our reflection on the futures of education. At a time when we need to invent a world of hope, literacy is more important than ever. On this International Day, I thus invite all those involved in education to redouble their investments and mobilize all their resources to unleash the potential of each individual in the service of a shared world. I close the message. Dhanyavaad. Thank you. थैंक यू वेरी मच। जानते हैं कि इस समय हम वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहे हैं। जाहिर है कि संकट की इस घड़ी में पढ़ने पढ़ाने के तौर तरीके यानी इसकी शैली में काफी परिवर्तन आया है। साक्षरता का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। कार्यक्रम के इस पड़ाव पर हम इस पर एक संक्षिप्त विमर्श करने जा रहे हैं।
व्याख्यान का विषय है लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड 19 क्राइसिस एंड यानी कोविड 19 संकट के दौरान एवं उसके उपरांत साक्षरता शिक्षण एवं अधिगम का परिदृश्य। व्याख्यान के लिए यहाँ उपस्थित है डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के माननीय प्रोफेसर जेपी दुबे जी। प्रोफेसर दुबे, नमस्कार। माननीय मंत्री जी, श्री रमेश पोखरियाल जी, श्रीमान धोत्रे महोदय, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अनिता मैम, ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड डी जी एन एल एम विनीत कुमार जी और अन्य वरिष्ठ सरकार के पदाधिकारी और सारे सहयोगी जो इस कार्यक्रम में हिस्सेदार हैं। आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ सोच के आया था बोलने के लिए जो बड़ा थियोरेटिकल था। दो चीजें बड़ी स्पष्ट हो गई मुझे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज ऑलरेडी अकोमोडेटेड सेवरल कंसर्न्स एंड सेक्रेटरी एजुकेशन हैज मेड इट वेरी क्लियर दैट वी आर विलिंग टू डू इट एंड वी वांट टू डू इट बाय एसोसिएटिंग ईच एंड एवरीवन पॉसिबल दोज हु आर विलिंग टू कंट्रीब्यूट टू इट। दैट इज द सिग्निफिकेंस, दैट इज द मार्च व्हिच यूनिवर्सिटीज हैज बीन एंटीसिपेटिंग फॉर लास्ट 25 ईयर्स। मैं मंत्री महोदय को और पूरे शिक्षा मंत्रालय को इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि एक युद्ध के मोड में पूरा विश्वविद्यालय था, क्योंकि इतनी बड़ी कार्यक्रम में विश्वविद्यालयों का कोई योगदान नहीं था। ये योगदान आप जो देने जा रहे हैं, इट इज गोइंग टू मेक अ सब्सटेंशियल चेंज इन द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम, बिकॉज दिस इज द सिस्टम विच वॉज क्रिएटेड फॉर दिस। 1977 में भारत सरकार ने हर विश्वविद्यालय में, उस जमाने में तकरीबन 80 विश्वविद्यालयों में और बाद में 108 विश्वविद्यालयों में डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन की स्थापना सिर्फ इसलिए की थी कि विश्वविद्यालय का जो नॉलेज जनरेशन है वो नॉलेज किसी तरीके से कम्युनिटी में पहुंचे, उसके लिए एक डेडिकेटेड यूनिट बनाई जाए। ये डेडिकेटेड यूनिट तकरीबन 5 सालों तक बड़ी विधिवत काम करती रही। काम करने के पीछे उसके दो पहलू बड़े स्पष्ट थे कि पूरे एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम को यह मान के चला जा रहा था कि यह जीवन में लोगों के परिवर्तन पैदा करने वाली एक प्रक्रिया होगी, ना कि एक साक्षरता पैदा करने की एक प्रक्रिया होगी। दो तीन प्रक्रियाओं को जोड़ करके साक्षरता के साथ इसको चलाने की प्रक्रिया चल रही थी एंड इट वॉज वर्किंग वेरी वेल। और पूरे विश्वविद्यालयों में, यहां तक कि दूर दराज के विश्वविद्यालयों में जहां जाने का मौका हम लोगों को मिला, हम लोगों ने देखा, ये पाया, ये काम लोगों ने बड़ी सुगमता से और बड़ी सहजता से किया। लेकिन अचानक के परिवर्तन आए, इन परिवर्तनों की वजह से सारी चीजों में परिवर्तन आया और विश्वविद्यालयों के विभाग किसी और दिशा में मूव करने लगे। और उन्होंने अपने लिए, विश्वविद्यालय में थे तो उनके लिए एकेडमिक ओरिएंटेशन करना बहुत आसान था, इसलिए उन्होंने अपने लिए एकेडमिक ओरिएंटेशन करना शुरू कर दिया। सो उन्होंने दे डिसाइडेड टू डू लिटरेसी इन कॉन्टेक्स्ट टू एकेडमाइजिंग लिटरेसी बोथ एज एन थियोरेटिकल इनपुट ऑफ मटेरियल प्रिपरेशन आर क्रिएटिंग अ सेट ऑफ एक्टिविटीज व्हिच कैन बी मेड यूज ऑफ इन एक्सपेंडिंग द हॉरिजन्स ऑफ लिटरेसी। इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एक एक्सपेरिमेंट का मैं जिक्र अभी करता हूं कि 2014 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर रोट ए लेटर टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली दैट कैन यू प्रोवाइड अस सम गाइडलाइन हाउ आर फंक्शनरीज कैन बी मेड टू स्क्रूटिनाइज द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ लिटरेचर एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वाइस चांसलर मार्क दिस लेटर टू अस। वी वेंट थ्रू दिस एंड फाउंड देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू इट and we developed a program which was known as rapid literacy with comprehension and it was exclusively for those officials, all officials, not but for central vigilance commissioner, everybody was part of it, and those who were having a reading rate of 200 words per minute they moved from 220 to 200 words to 400 words per minute, and that made a significant difference. In fact they wanted us
to do it for the other departments also. But since we did it for free and we were not having much of resources and the things kept on changing, so we could not continue. But this was one such effort made by the universities in this area. So possibilities universities mein, university ke departments mein bahut kuch thi. Aur piche agar hum jaye to hamare to students ne Punjabi ke literature primers banaye, पंजाबी के प्राइमर्स बनाए, तेलुगु के प्राइमर्स बनाए, बहुत सारी जगहों पर बनाए. लेकिन चूंकि दुराव बढ़ता चला गया, दुराव दो चीजों पर था जो इन प्रिंसिपल था. ये मैं एक एक डिमांड का चार्टर में अब मैं कन्वर्ट कर दिया हूँ, पूरे प्रेजेंटेशन को एक डिमांड के चार्टर में कन्वर्ट कर दिया हूँ. दो चीजें थी, एक तो ये था कि यूनिवर्सिटीज ने उस समय 1982-83 में ये पाया कि भारत में अभी भी लोग ग्रुप लर्निंग को ज्यादा प्रेफर करते हैं. अब ग्रुप लर्निंग एक बचपन से ही लोगों में ग्रुप लर्निंग की एक प्रक्रिया डोमिनेंट थी, तो यूनिवर्सिटीज ने बार बार ये कहा कि ग्रुप लर्निंग के सिस्टम को आप दरकिनार नहीं करें, कंटिन्यू विद द ग्रुप लर्निंग सिचुएशन, मेक ए जुडिशियस मिक्स ऑफ अदर प्रोग्राम्स. बट इट वॉज डिसाइडेड दैट नोबडी विल बी परमिटेड टू गो फॉर द सेंटर बेस्ड एक्टिविटीज, एंड सेंटर बेस्ड एक्टिविटीज विच वेयर वर्किंग एज ए फंक्शनल सेंटर इन द एरियाज वेयर सडनली टेकन अवे. That created a huge problem. We started looking for volunteers. Volunteers, I or volunteers were requested to continue and continue 1 year, 2 years, 3 years, 4 years. Volunteerism cannot continue for more than 2-3 months. अभी जो कार्यक्रम चलने वाला है इसमें volunteers को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, provided this works on two front. One, creating a database of all volunteers, enrolling volunteers, मार्किंग देम डिजिटली, ट्रेनिंग, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग उनकी होती रहे, एंड दिस ट्रेनिंग कैन बी डन बाई वन इंस्टीट्यूशन और मल्टीपल इंस्टीट्यूशन, इट कैन बी डिसाइडेड. क्योंकि ऑनलाइन ट्रेनिंग होनी है तो दिस कैन बी डन बाई वन इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, बट एवरीबडी हैज एन अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर ए 5 hours, 10 hours, 20 hours, जो भी एक स्टैंडर्डाइज पैरामीटर्स हो, उस पैरामीटर्स के तहत उसकी ट्रेनिंग होती रहे ऑनलाइन, एंड एवरीबडी शुड बी एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट फॉर ओनली टू मंथ्स ऑफ वॉलंटरी सर्विस. ऑनलाइन कर सकते हैं तो ऑनलाइन करें, या ऑफलाइन के भी ऑप्शन हम बनाए रखें, जैसा कि अभी फिलहाल कई जगहों पर जहां पर ऑनलाइन की फैसिलिटीज नहीं पहुंची हैं, वहां पर स्कूलों में भी कॉलेजेस में भी टीचर्स ने इस चैलेंज को लिया है, एंड दे आर रीचिंग टू द स्टूडेंट्स, नॉट एग्जैक्टली ऑनलाइन, नॉट एग्जैक्टली ऑफलाइन, बट एक मिक्स में, कि भाई एक स्टूडेंट्स को दिया मटेरियल, उनको सीडी में दे दिया, पेन ड्राइव में दे दिया, एंड दिस इज बीइंग शेयर्ड बाय, एंड वी वर एबल टू रीच टू ऑल मोर देन 4 lakh स्टूडेंट्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड वी वेंट फॉर एन ओपन बुक एग्जामिनेशन ऑल्सो. ये पॉसिबिलिटीज के रेंज में है. डिसीजन अगर एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हुए होंगे तो यूनिवर्सिटीज विल नॉट फाइंड इन डूइंग इट. एक छोटा सा उदाहरण था. दूसरा उदाहरण था कि इस दुराव की वजह से और क्या क्या हुआ. इस दुराव की वजह से यूनिवर्सिटीज के सामने एक ऑप्शन आया, ये हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है, ये कंटिन्यू है. मैं आई एम मूविंग अवे फ्रॉम द, क्योंकि एवरीथिंग हैज बीन डन, नाउ इट इज अबाउट द ऑपरेशनलाइजिंग इट, हाउ इट हैज टू बी ऑपरेशनलाइज्ड. यूनिवर्सिटीज ने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए, जब इस प्रोसेस से उनको दूर कर दिया गया, दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम्स. कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम्स की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इन यूनिवर्सिटीज देयर इज ए स्ट्रक्चर दैट इज नोन एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एंड नो सिलेबाई, नो कैरिकुलम इज वेरी इजिली एक्सेप्टेड. क्योंकि लोग कहते हैं कि देयर इज ए इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज. इस चेंज को ओवरकम करने के लिए विदाउट गोइंग टू एकेडमिक काउंसिल शॉर्ट ड्यूरेशन के नॉन क्रेडिट कोर्सेज डिजाइन होने शुरू हुए. Almost each university, those who were associated with the adult education program, they were given an umbrella term of extension department. They started working in, and almost every university experimented more than 50 such short-term courses. These courses grew into certain curricular structure. मैं चार के उदाहरण सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1981 से एक लीगल लिटरेसी का एक कार्यक्रम चलाया, एंड लॉ के लोग उसमें आना पसंद नहीं करते थे, सो वी वेर हायरिंग पीपल फ्रॉम प्रैक्टिसिंग लॉयर. वो कहते थे नो दिस इज नॉट एन एरिया वेयर वी विल बी वर्किंग. मैं ये बड़ा पब्लिकली कह रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, दैट वी वर नॉट एक्सेप्टिंग इट. लेकिन नेक्स्ट
सेवन एट ईयर्स में लीगल लिटरेसी के जो भी कार्यक्रम हुए, जो जिस तरह की आउटरीच बढ़ी, सीलास इंस्टीट्यूट बना, सीलास की फंडिंग पैटर्न बना, एंड सडनली पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग लीगल लिटरेसी इज वन सच एरिया विच कैन बी मेड यूज ऑफ एज अ प्रोफेशनल डोमेन इन लॉ, एंड लॉ के लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया. Same was the case with public interest litigation. रात को 11 बजे तक हम लोग लेडी इरविन कॉलेज में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कोर्स डिजाइन करके चलाते थे. I'm not talking about those paralegal training के बहुत सारे जो courses हमने किए थे. ये लीगल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में एक MC मेहता एक मात्र एक्सपर्ट हुआ करते थे, एंड ही यूज टू डू इट फ्री फॉर अस. उन्होंने कभी पैसे भी नहीं लिए, एंड ऑल जुडिशियरी एंड सीनियर लायर्स वेयर अटेंडिंग दिस क्लास अप टू 1991. 86 से लेकर के 91 तक. सर टुडे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज अ वेरी डोमिनेंट एरिया इन इवन लॉ फैकल्टी एंड इन प्रोफेशन. ये करिकुलर रिफॉर्म जो है हमने एक इनडायरेक्टली बाय डूइंग स्मॉलर एक्सपेरिमेंट्स हमने इसको इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि जब एक्सटेंशन के डिपार्टमेंट बने थे तो उनके दो तीन ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव ये था कि व्हाट एवर दीज यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स विल डू, दे विल डू विद द अल्टीरियर मोटिव, ultimate motive of creating institutional reform in the curriculum. And curriculum का ये काम हमने आसानी से करना शुरू कर दिया. तीसरा एक जिससे मैं अभी directly associated हूँ, we introduced a science and sports journalism course in 1983-84. उस जमाने में जर्नलिज्म का कोई कोर्स भी नहीं होता था. लैंग्वेज के लोग आते थे, हिंदी इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस के लोग आते थे, they were doing. साइंस एंड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के अभी भी कोई कोर्स नहीं है. हमने वो कोर्स तकरीबन 18 साल चलाया. दिस कोर्स वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ थ्री ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन वन ऑफ द कॉलेज. टुडे वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू अ 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ जर्नलिज्म व्हिच इंक्लूड साइंस स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग. दिस इज द करिकुलर स्ट्रक्चर वी हैव मेड यूज ऑफ. हम ये बताना ये चाहते हैं कि अगर ये इंस्टीट्यूशंस शायद लिटरेसी के प्रोग्राम में बड़े क्लोजली एसोसिएटेड रहे होते तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट. हमें इतना कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी होती, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ग्रुप है. एक डिपार्टमेंट इज हैविंग एन एक्सेस टू मोर देन 100, 200, 300 स्टूडेंट्स. दीज 300 स्टूडेंट्स क्रिएट मैजिक एंड दे हैव बीन डूइंग इट एंड दे हैव क्रिएटेड इट. सो बेस्ड ऑन दिस मैं ये कहना चाहता हूं कि अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर तो उपलब्ध है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बड़े डायरेक्टली इसमें एसोसिएट करने का. दूसरा जो इंपॉर्टेंट है कि सिंस वी हैव गॉन कॉम्प्रिहेंसिवली इनटू डिजिटलाइजेशन मोड, इट वुड बी इजियर फॉर यूनिवर्सिटीज ऑल्सो टू एसोसिएट themselves, not making physical visits to every place. ये बड़ा आसानी से लोग काम कर सकेंगे, and a link between institution and direct beneficiaries of the gram sabha slum area can be very easily connected. जो शायद हमारे वहां बहुत आसान है, क्योंकि हम सब के लिए बहुत सारे लोग करने वाले हैं. lot of people are there, those who can contribute to it. So based on this, मुझे लगता है कि इस situation में जब हमने इतना बड़ा कदम उठाया है तो इस कदम को संपन्न करने के लिए यूनिवर्सिटीज को यूज करने का एक बड़ा बढ़िया मौका आया है, और इसके लिए यूनिवर्सिटीज का एक अपना एकेडमिक एसोसिएशन है. यूनिवर्सिटीज हैज बीन कंटिन्यूइंग विद इंडियन यूनिवर्सिटी एसोसिएशन फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन. दैट कंटिन्यूइंग एजुकेशन हैज बीन वेरी हेल्पफुल इन इन्फ्लुएंसिंग ईच यूनिवर्सिटीज टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स. दीज एक्सपेरिमेंट्स आर हैव रिजल्टेड इनटू सम करिकुलर रिफॉर्म, नॉट हियर ओनली बट इन अदर यूनिवर्सिटीज ऑल्सो. सो दैट एज ए प्रोफेशनल बॉडी, एज एन एकेडेमिक बॉडी कैन बी कॉन्टेक्टेड फॉर दिस. Those who are doing it, they should be invited, they should be made part of it, and they will be using this academic association with their respective units, and they don't need any brokers for that. They need to be only used as improving the outreach of the program, and this outreach to the universities will maximize the outreach through the technology. Aur technology ke istemal ke bare mein zyada sarkar has already done a lot of things. Main wo sari cheeze ginaun ki what is literacy, what is education, what is learning. We all have agreed that this is possible.
We all have agreed that it is an enabler. It is going to change the life of the people. It has been changing the life of the people. It has been tested here in India. It has been tested all throughout. That is why in Afghanistan, mein jo chote chote experiments hue, that is created some change in the social structure. Social political structure mein wahan parivartan aaya hai. In all other places, jahan par bhi hua hai, there was a time when Vietnam was having a very good literacy program. And today, 99% is the digital penetration in that country. ये संभावनाओं के क्षेत्र में सारी चीजें आती हैं और सरकार का यह कमिटमेंट, इतने बड़े स्तर का कमिटमेंट, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मैं तो अपनी पूरी बात को चार्टर ऑफ डिमांड्स में कन्वर्ट कर दिया है मैंने, लेकिन ये संभावनाओं में है और हर कोई तैयार है. यूनिवर्सिटीज भी तैयार हैं, यूनिवर्सिटी से जुड़े लोग तैयार हैं और ग्राम समाज और बाकी इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल इसलिए करना जरूरी है कि द होल आइडिया ऑफ यूजिंग ईच यूनिट एज ए फंक्शनल सेंटर इन एजुकेशन पॉलिसी इज अ वेलकम आइडिया. एट द सेम वे ईच यूनिट कैन बी यूज्ड एज ए फंक्शनल सेंटर फॉर लिटरेसी प्रोग्राम. लिटरेसी इज नो लॉन्गर ए लिटरेसी प्रोग्राम, इट इज, सेक्रेटरी मैम ने कहा है कि इट इज फाइनेंशियल लिटरेसी, इट इज फंक्शनल लिटरेसी, पांच तरह की लिटरेसी है एंड इट विल कंटिन्यू टू एनरिच, इट विल कंटिन्यू टू एनरिच. तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड द कमिटमेंट हैज बीन मेड, इट इज वेरी ह्यूज. If we are able to invite universities also, I'm not saying other institutions will not be used. It is about using every possible sector of the contributors. Everybody has to become a facilitator or educator. Centrality is not of the facilitator, centrality is of the learner. Learner ko central mein rakh kar ke hi, remaining other people will be, if we are going to hire people for a longer duration, then things would be requiring ki bhai unko paisa bhi dena padega, salary bhi deni padegi. That can be considered. If it is easy to create a cadre of functionaries, professional people, those who can contribute for a longer duration, that is a better idea because they will be responsible for it. And they, whether they come from the universities or any other institutions, that will be a wonderful idea because these universities are also training people for higher degree courses also. They are doing researches in this area. They can be used as a coordinator, a digital coordinator or field coordinator, jaisa jahan jaruri hoga. Agar kahin par outreach, if there is a possibility of not having a better outreach in some area for some regions, सेटेलाइट की रीच नहीं है या बैक कहीं पड़ता है, तो इन दोज एरियाज दीज पीपल कैन बी हायर्ड, कैन बी एंड दे आर ट्रेन्ड पीपल. दे वी डोंट नीड टू से थैंक यू टू एनीबडी हु इज कमिंग फ्रॉम समवेयर. इट इज बेटर टू यूज एक्नॉलेज्ड रिसोर्सेज. Acknowledged resources, universities are an acknowledged resources. Another request, ma'am, it is, I have converted it into a charter of demand. Since there has been 108 universities, those who were functional, now there are more than 700 universities. If universities can be requested that without giving them any additional finances, like I am doing, without having a financial support from the government of India, I am enrolling 120 students each year, and in 5 years they are going to be 600 students, 70-80 faculty and lot of PhD students. We have not taken any money. So if they have resource, structure is there, infrastructure is there, some convincing arguments can create, can argue these to the people that you can create a structure in which student volunteer can be roped in. A mechanism can be created. That mechanism will be roped into the centralized network, and that centralized network will help it. Savidya ya bimukte hum hasil karne ki sthiti mein aa sakte hain if we are opening up, and I believe it is an opening up. Otherwise, for 30 years I have not been invited. 30 saal ke baad mujhe mauka mila hai. Thank you very much. Thank you, sir. महोदय, आपका इस चर्चा से हम सभी साक्षरता शिक्षण एवं अधिगम के नवीन परिदृश्य से परिचित हुए. आपके बहुमूल्य सुझाव साक्षरता की हमारी इस यात्रा में यकीनन मददगार साबित होंगे. धन्यवाद बहुत बहुत आपका. मान्यवर, इस व्याख्यान के पश्चात अब मैं अपने विशिष्ट अतिथि माननीय श्री संजय धोत्रे जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन, से सादर निवेदन करता हूं कि वे कृपया हमारा मार्गदर्शन करें. ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन. नमस्कार. माननीय शिक्षा मंत्री, हमारे मार्गदर्शक,
श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, श्रीमती अनिता करवल जी, सचिव स्कूल शिक्षा और साक्षरता, यूनेस्को प्रतिनिधि श्रीमती उमा बसुत जी, श्री विपिन कुमार जी, संयुक्त सचिव प्रौढ़ शिक्षा एवं महानिदेशक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, कुलगुरु जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय एवं निपा, शिक्षा मंत्रालय एवं स्वायत्त संगठनों के अधिकारीगण, आमंत्रित वक्ता प्रोफेसर जे बी दुबे जी, प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के अधिकारी, गणमान्य अतिथि, मीडिया के मित्रगण, भाई और बहनों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 मनाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण NLMA द्वारा आयोजित किए जा रहे इस समारोह में भाग लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस निरक्षरता उन्मूलन में अपनी प्रतिबद्धता दोहराने हेतु विश्व भर के सभी राष्ट्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह साक्षरता के क्षेत्र में किए गए लाभों को समेकित करने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों को साझा करने और सीखने, हितधारकों के बीच परस्पर सहयोग बढ़ाने एवं साक्षरता के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने का एक अवसर है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा है, निरक्षरता एक पाप और अभिशाप है और इसका उन्मूलन बेहद जरूरी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में साक्षरता व्यक्ति विशेष के सर्वांगीण विकास के साथ साथ महिलाओं, विशेषकर समाज के वंचित समूहों से संबंधित लोगों के जीवन स्तर को बदलने और उसे बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। साक्षरता प्रसार में महिलाओं का योगदान अनन्य साधारण है। ऐसे माना जाता है कि परिवार में अगर एक पुरुष साक्षर होता है, शिक्षित होता है, तो बहुत बार वह साक्षरता उस व्यक्ति तक ही सीमित रह जाती है। लेकिन अगर परिवार में स्त्री साक्षर हो जाती है, शिक्षित हो जाती है, तो वह पूरे परिवार को साक्षर बनाती है, शिक्षित बनाती है और अपने परिवार के उन्नति का रास्ता खोल देती है। इसलिए प्रौढ़ साक्षरता को हासिल करते हुए हमें स्त्री साक्षरता पर ध्यान देना होगा। इस क्षेत्र में आरंभ से काम करने वाले अनेक समाज सेवकों ने, समाज धुरीनों ने इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझा था। महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले जैसे ने तत्कालीन समाज से अवहेलना झेलते हुए समाज के वंचित वर्गों को शिक्षित करने का अनुष्ठान लिया। ऐसे महान व्यक्तियों का कार्य और विचार हमें इस क्षेत्र में और भी अच्छा कार्य करने के लिए सदैव प्रेरणा देते आए हैं। साक्षरता एवं अज्ञान से देश ही नहीं बल्कि व्यक्ति भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। जीवन में पढ़ने लिखने की कुशलता अर्जित किए बिना जीवन यापन कठिन हो जाता है। वैश्वीकरण और ज्ञान परक अर्थव्यवस्था के इस युग में साक्षरता के बिना जीवन यापन दरअसल बहुत ही कठिन है। लगभग सभी क्षेत्रों में तेजी से हो रहे वैश्विक परिवर्तन और इनकी चुनौतियों से निपटने के लिए साक्षरता का महत्व अपरिहार्य हो जाता है। अतः इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। साक्षरता से वंचित ऐसे सभी लोगों को साक्षरता और औपचारिक शिक्षा की परिधि में शीघ्र शामिल किया जाना चाहिए ताकि राष्ट्रीय लक्ष्य की ओर हम तेजी से बढ़ सके। यहाँ मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि साक्षरता को एक अंत के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह हमारे देश के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा 35 साल से कम उम्र का है। शिक्षा और व्यवसायिक कौशल की समुचित दक्षता प्राप्त किए बिना रोजगार तलाशती है युवा आबादी हमें जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरा फायदा उठाने से कहीं ना कहीं रोकती है। अतः हमें इस पर अपेक्षित ध्यान देना होगा कि कैसे इन युवाओं को शिक्षा और आजीवन शिक्षा के दायरे में शामिल किया जा सके। समग्र शिक्षा जहाँ स्कूल जाने वाली आबादी की शैक्षिक आवश्यकता का ध्यान रख रही है, वही स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों और विशेष रूप से ऐसे युवाओं, प्रौढ़ों जो किसी वजह से औपचारिक शिक्षा के अवसर और इसके लिए निर्धारित आयु सीमा के पार कर चुके हैं, उन पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस पर पूरा विचार किया गया है और मार्गदर्शन किया गया है। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 COVID-19 संकट के दौरान एवं उसके उपरांत साक्षरता शिक्षा एवं अधिगम का परिदृश्य, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द COVID-19 क्राइसिस
एंड बियॉन्ड पर केंद्रित है। यह विषय यूनेस्को द्वारा निर्धारित है, जो न केवल साक्षरता लक्ष्य को प्राप्त करने में बल्कि अन्य क्षेत्रों के लिए भी लाभकारी रहेगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। इसमें हर भारतीय की परिणामकारक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए हम हर क्षेत्र में साक्षरता पर ध्यान देना है। इससे सबसे महत्वपूर्ण है डिजिटल साक्षरता, डिजिटल लिटरेसी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में डिजिटल इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया। आधार, जनधन, मोबाइल की त्रिसूत्री में हर भारतीय को विकास के राह पर पहुंचाने का कार्य किया। लगभग 2.5 लाख से ज्यादा ट्रेनिंग सेंटर में ग्रामीण क्षेत्र के हमारे 3 करोड़ भाइयों बहनों को डिजिटली लिटरेट बनाने का कार्य पीएम जी दिशा कार्यक्रम के माध्यम से हुआ है। लगभग 4.25 लाख कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा पूरे देश भर में ई गवर्नेंस सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। आपका डाकिया अब आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम द्वारा आपके किसी भी बैंक की रकम आपके घर में आकर दे रहा है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और इंटरनेट टेक्नोलॉजी अब हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रही है। इसमें कोई ना छूटे, कोई पीछे ना रहे, खास करके हमारे सीनियर सिटीजन्स, वंचित समूह के लोग, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। भारत में आईसीटी के उपयोग में पर्याप्त वृद्धि को देखते हुए प्रौढ़ साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की अधिकाधिक संभावनाओं का पता लगाने का यही सही समय है। इसके अलावा कोविड-19 के संकट के दौरान शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया के इस बदलते परिदृश्य में हमें प्रौढ़ साक्षरता की योजना के तहत बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देते हुए अन्यान्य कन्वर्जेंस मॉडलों के साथ ही साथ डिजिटल कन्वर्जेंस मॉडल को भी प्रभावी तरीके से अपनाना होगा। अपनी बात यहाँ समाप्त करने से पहले मैं यह याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे देश में अभी भी, चूंकि विश्व की कुल आबादी की तुलना में निरक्षरों का एक बहुत बड़ा अनुपात है और इन्हें साक्षर बनाने का लक्ष्य अभी भी हासिल करना है, इसलिए मैं सभी हितधारकों से इस बारे में एकजुट होकर आगे बढ़ने का आह्वान करता हूँ कि हम सब मिलकर निरंतर इस दिशा में सक्रिय रहे और पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करें। मैं इस क्षेत्र में कार्यरत सभी संगठना निकायों को पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए उनके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूँ। और इसी के साथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मार्गदर्शक मेरे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय निशंक जी के नेतृत्व में हम इसे निश्चित ही हासिल करेंगे। मैं आपको सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपका आपके बहुमूल्य विचार हमारे लिए अनुकरणीय है, हार्दिक धन्यवाद माननीय आपका। अब इस अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री जी से सादर निवेदन है कि वे साक्षरता के स्पर्श पर अपने उत्प्रेरक उद्बोधन से हमारा पथ प्रदर्शन करें, हमें अनुग्रहित करें। मान्यवर माननीय शिक्षा मंत्री जी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह 2020 के अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे यशस्वी शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय संजय धोत्रे जी, उच्च शिक्षा के सचिव श्री अमित खरे जी, स्कूली शिक्षा और साक्षरता के सचिव श्रीमती अनीता जी, भारत में यूनेस्को के प्रतिनिधि श्रीमती उमा मसूद जी, संयुक्त सचिव विपिन जी, मुझे बताया गया कि जेएनयू के कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, जामिया इस्लामिया, नीपा सहित तमाम विश्वविद्यालयों के लोग आज हमसे जुड़े हुए हैं। शिक्षा मंत्रालय और उससे स्वायत्त तमाम संगठनों के लोग जुड़े हैं, उनके अधिकारी वर्ग जुड़े हैं। आज आमंत्रित वक्ता के रूप में हमने दुबे जी को सुना है, प्रोफेसर दुबे। और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में, साक्षरता के क्षेत्र में जो स्वैच्छिक संगठन, अधिकारी और विभिन्न लोग जो काम कर रहे हैं,
और सभी शिक्षाविद और सभी जो लोग इस क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं उन सभी का मैं बहुत अभिनंदन कर रहा हूं। और मैं समझता हूं कि हम लोग इसके विश्लेषण की भी जरूरत होगी कि आखिर यदि हम सब समझते हैं इस बात को कि निरक्षरता एक अभिशाप है, तो फिर उस अभिशाप को देखने वाले लोग क्या महसूस करते हैं अपने को, क्या हम लोग को इस दिशा में थोड़ा सा महसूस करा पाए हैं। कई बार छोटी छोटी चीजें बहुत बड़े परिवर्तन का कारण होती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी योजनाएं बना करके बड़े बड़े बातें करके बड़ा काम नहीं हो सकता। छोटी छोटी बातें जीवन में बहुत बड़ा काम कर देती हैं। जो वो छोटी छोटी बातें वो कौन सी हैं जो हमारे इस अभिशाप को दूर कर सकती हैं? जरूर चाहूंगा मैं कि एक बार इस पे बहुत अकलुषित तरीके से उस रास्ते को तय किया जाए, जो उसको चिन्हित किया जाए, सुनिश्चित करके फिर उस रास्ते को तय करें। ये बात सही है कि सरकार योजना भी बनाती है, काम भी होता है और मन भी होता है और रिजल्ट निकालने की कोशिश भी होती होगी, लेकिन इसको एक मिशन मोड में करने की जरूरत है। ये सामान्य नहीं है। आज जितना प्रतिशत पूरी दुनिया में निरक्षरता है मैं समझता हूँ कि वो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय, और मेरे देश के लिए जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है मेरे हिंदुस्तान, उस हिंदुस्तान में तो जो संख्या भी है इतनी संख्या कई देशों की कुल आबादी नहीं है। तो हम इस बड़ी संख्या को, इस बड़ी जनसंख्या को, जो हमारी ताकत है उसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं समझता हूं कि जो जो प्रयास अभी तक हुए हैं उसका रास्ता क्या था, उसको और तेजी से आगे बढ़ने की छलांग मारने की मिशन मोड में क्या क्या हो सकता है। यदि यूनेस्को ने इस दिशा में कुछ विशेष अध्ययन किया होगा, यदि हमारे स्वयंसेवी संगठनों ने कुछ विशेष अध्ययन किया होगा, तो उस पे थोड़ा सा परामर्श करके उस रास्ते को बनाने की जरूरत है। मैं ये समझता हूं कि जब किसी के सामने, किसी भी व्यक्ति हो चाहे संस्था हो चाहे समाज हो, उसके सामने जब जब कोई चीज रखी जाती है, वो रखने का हमारा क्या तरीका होगा एक, और काम सौंपने का क्या हेतु होगा दो, उसका रिजल्ट पाने का क्या हमारा जो टारगेट है उसको पाने का रास्ता क्या होगा तीन, यदि इन तीन चीजों पर थोड़ा सा विश्लेषण होता है, तो यदि आज मेरे देश में 1000 विश्वविद्यालय हैं, यदि 45,000 डिग्री कॉलेज हैं, यदि 15-16 लाख स्कूल हैं, यदि 1,09,00,000 अध्यापक हैं, यदि इस चीज को भी, इस संपूर्ण इस संपदा है हमारी, यदि इसको जोड़ते हैं, और 33 करोड़ छात्र छात्राएं हैं, यदि इन 33 करोड़ छात्र छात्राओं के जीवन में एक को आपने, मैं देख रहा था कि वन टीच वन का अभियान भी हम लोगों ने लिया था, और अब तो मैं कहता हूं कि ईच वन टीच वन अब रीच वन भी होना चाहिए। इसके साथ जरूरत है, अब तो और ज्यादा आसान हो सकता है हमारे लिए रास्ता, और जरूरी है इसको मिशन मोड में लेकर के एक अभियान के साथ टारगेट दे करके कोई भी बच्चा, मुझे भरोसा है यदि अकलुषित होता है बच्चा, उसके मन मस्तिष्क पर जो चीज पड़ती है, जो छाप होती है, वो मिशन रूप में लेता है उसको। जिस दिन हम अपने उस छात्र को इतना समझा देंगे कि ऐसा तो नहीं है कि आपके परिवार में कोई निरक्षर है, ऐसा तो नहीं है, और यदि ऐसा है तो क्या तुम अपने परिवार में अपने माता पिता, अपने कोई भाई बहन होंगे, कोई चाचा ताऊ होंगे, आखिर क्या हम एक दो लोगों को पढ़ा सकते हैं? तुम यहाँ से पढ़ के जाते हो, 1 घंटा दे सकते हैं, संडे है उसमें कर सकते हैं,
मैं ये समझता हूँ ये हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है। मेरे जो विश्वविद्यालय आखिर सामाजिक दायित्वों से होकर के गुजरना है, हमने हमारे जो अध्यापक गण हैं क्योंकि वो तो प्रकाश के पुंज हैं, आखिर इस देश में अकेले 1,09,00,000 से भी अधिक अध्यापक हों, और जिस दिन यदि तय ही कर दिया मेरे अध्यापक ने कि 5 लोगों को उसने 5 से 10 लोगों को करना ही करना है, जो बहुत मुश्किल नहीं है, 10-20 लोगों को एक अध्यापक का टारगेट कोई बहुत मुश्किल नहीं है, और लेकिन क्या हम लोगों ने उसको प्लान बना करके रास्ता दिया है, इसकी शायद जरूरत है, और इसी की जरूरत है क्योंकि जिस तरीके से अब नए नित नए अनुसंधान हो रहे हैं, हर हाथ में आज मोबाइल आ गया, अब बहुत तेजी से डिजिटल इंडिया हो रहा है, पूरी दुनिया डिजिटल पर आकर के खड़ी हो गई है, तो इस नई दुनिया में और जबकि 21वीं सदी में हम एक स्वर्णिम भारत की परिकल्पना लेकर के जो विश्व की ज्ञान की महाशक्ति के रूप में स्थापित हो, जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है उसने नए आयाम खोले हैं, नया दिशा दिया, नए रास्ते खोले हैं, पूरा मैदान को खाली किया, कौन कहां तक दौड़ सकता है, इस लंबी दौड़ में दूरस्थ तक जाने की जो हमारी मंशा है उस मंशा को पूरा करने के लिए ये जो एक बहुत बड़ा तबका है उसको भी पकड़ करके आगे बढ़ाने की हमको जरूरत है। जरूरत ही नहीं हमारी आवश्यकता है, आवश्यकता ही नहीं हमारी अनिवार्यता, अनिवार्यता ही नहीं हमारी जिम्मेदारी भी है, और इसलिए निश्चित रूप में मैं सोचता हूं कि पहले संकल्प तो ये बड़े लोग ले कि क्या उनके पास पास दूर दराज तक कोई उनको लगता है तो क्या मैंने, और इसकी समीक्षा भी हो, फिर इसकी 3 महीने में बातचीत भी हो, 6 महीने में बातचीत हो, क्यों एक ही दिन विश्व अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाए, ये हर सप्ताह क्यों नहीं होगा, ये हर महीने में क्यों नहीं होगा, ये हर 3 महीने में क्यों नहीं होगा, हर 1 साल में क्यों नहीं होगा 10वीं बार, तो इसलिए ये जरूरी है क्योंकि जब टारगेट रखेंगे हम और उसका रास्ता यदि कई बार कहीं तक जाने का रास्ता तो तय कर देते हैं लेकिन यदि वो उस रास्ते में कोई कठिनाई है तो पकड़ में आ जाता है। 1 सप्ताह में आपने समीक्षा की, 1 साल में यदि समीक्षा की तो कहेगा मेरा रास्ता टूटा हुआ था और इसलिए मैं जा ही नहीं पाया, किसी ने पूछा ही नहीं मेरा रास्ता टूटा हुआ था, किसी ने बताया नहीं कि आगे तक जाना है। वो 1 सप्ताह को समीक्षा 1 साल के बाद होगी, 1 महीने की समीक्षा जब 1 साल में होगी तो परिस्थितियां होगी कि 1 महीना ने 11 महीने को कत्ल कर दिया, तो ये इसकी जो समय समय पर समीक्षा, जो टारगेट है उस टारगेट पहले रास्ता तय हो और रास्ता तय होने के बाद लोगों में सुनिश्चितता हो, टारगेट भी निश्चित हो, और उसके बाद हर महीने में 2 महीने में इसकी विशेष करके समीक्षा हो। मैं अपने आदरणीय सहयोगी संजय धोत्रे जी से भी निवेदन करूंगा कि अनीता जी के साथ बैठ करके एक बृहद जो कुछ 2-3-4 बिंदु हमने बताए हैं, जो भी चाहे यूनेस्को और जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, अभी दुबे जी जिस बात को कह रहे थे, तमाम विश्वविद्यालय महाविद्यालय हमारे तमाम संस्थानों में ये गतिविधियां हैं, क्या अभी तक उनको संग्रहित किया गया, संग्रहित नहीं किया गया, वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके पास बड़ी ताकत है, उसके साथ हम अपनी दूसरी ताकत को जोड़ देंगे तो यदि वो बीच में जुड़ाव नहीं है तो यदि इधर से 100 किलोमीटर कोई आ गया बीच में जुड़ाव नहीं जबकि दूसरी तरफ भी 100 किलोमीटर है, ये आधा किलोमीटर का जुड़ाव ही 200 किलोमीटर की दूरी को आपका तय कर देता है, और इसलिए मैं ये समझता हूँ ये जो जुड़ाव है इसकी जरूरत है। अगली बार जब कभी इस तरीके से आगामी बहुत जल्दी मुझे लगता है इस बात को हमको मिशन मोड में लेना चाहिए, ये सामान्य योजना नहीं बन सकती, इसके लिए केवल सरकार के आधार पर ये काम नहीं हो सकते हैं बल्कि सरकार के सहयोग से मिशन मोड में सारी संस्थाओं को, ग्राम सभाओं को, विभिन्न संगठनों को, विभिन्न शिक्षाविदों को, विभिन्न एनजीओस को सब साथ लेकर के कौन कहां पर किस सीमा तक काम कर सकता है, एक दूसरे से जुड़ करके क्या रिजल्ट निकल सकता है, मुझे भरोसा है कि ये हम लोग इस मिशन में आगे होंगे। वर्चुअल लर्निंग हमारे पास बहुत अच्छा है
और अब तो हम बुक बैंक बना सकते हैं पीछे के समय अनीता आपने विद्या दान जैसा बहुत एक कार्यक्रम किया था, लोगों ने बढ़ चढ़ करके आगे तक जाकर के हमको हजारों लोगों ने और करोड़ों करोड़ों रुपए की जो है ई कंटेंट जो है आपको दिए थे। ये अभियान विद्या दान है। बताएं कितने संस्थाएं, कितने छात्र, कितने अध्यापक इस मिशन में मिलना चाहते हैं। इस पर एक अभी जो आपके जीएस है मैं उनको कहना चाहता हूं कि इसको तत्काल एक अभियान लें, एक ऐसा ऐप बनाएं, वो बताएं कि कौन इस अभियान में अपना विद्यादान देना चाहते हैं, कौन कौन लोग हैं, कौन कौन संस्थाएं, कौन कौन व्यक्ति हैं, कौन कौन छात्र हैं जो वर्ष के लिए अपना टारगेट रखना चाहते हैं कि नहीं ये हमारे क्षेत्र में, मेरे जिले में, मेरे तहसील में, मेरे ब्लॉक में, मेरी ग्राम सभा में, मेरे प्रदेश में ये टारगेट हमारा है, हम कुछ भी करेंगे लेकिन इतने लोगों को लेकर के हम पूरे अगले वर्ष जब इस दिशा में समीक्षा हो, जब हम अपना समीक्षा कर रहे होंगे और आगे का प्लान बना रहे होंगे तो गर्व के साथ ये महसूस कर सकें कि एक वर्ष की हमारी यात्रा बहुत प्रेरणाप्रद थी और हमने मिशन मोड में जुनून के साथ इस काम को किया। तो इसलिए एक और उसके ऐप में जोड़िए, आप गांव सभा तक को जोड़ दीजिए, किस गांव में कौन कौन लोग हैं हमारे जिनको जरूरतें हैं इस समय, उस गांव में निरक्षर कौन है और साक्षर कौन है, वो साक्षर और निरक्षर की एक सूची गांव सभा वाइज बन जाए, शहर वाइज बन जाए, वार्ड वाइज बन जाए, इसकी जरूरत है। मेरे भरोसा है कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो यदि उनके पास कोई आइडिया हो, यदि उनके पास कोई विचार हो और उनके पास कोई टीम हो और वो टारगेट अपना सुनिश्चित कर सकते हैं तो जरूर और जरूर करके इस दिशा में उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि देश की एक सूची तैयार की जाए, लोग तैयार रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहे विवेकानंद जी को लें, चाहे गांधी जी को लें, चाहे जितने भी हम पीछे के अपने महापुरुषों को लेते हैं, उन्होंने किसी काम को जब शुरू किया तो पूरा समाज उनके साथ खड़ा हो गया। लोग बढ़ चढ़ करके 10 कदम जो हमने जितना सोच रहे हैं उसे 10 कदम आगे जाकर के लोग काम करना चाहते हैं। जरूरत है कि जो वो काम कर रहे हैं वो इतना चाहते हैं कि क्या उनके काम को कोई चिन्हित कर रहा है, देख रहा है, उनके काम का सम्मान हो रहा है। और ये जिस दिन केवल काम को चिन्हित करके उनको सम्मान के रूप में लिया जाए उस दिन मिशन मोड में लोग अपने आप आ जाएंगे। मुझे भरोसा है कि आज का जो ये मीटिंग है, ये जो ज्ञान के अंधकार को मिटाने का एक अभियान है, इस अभियान का हर व्यक्ति हिस्सा बन सके मेरे देश का, मुझे भरोसा है मेरे देश में जब जब भी ऐसी बातें आती हैं और जब हम उसको मिशन मोड में डालते हैं तो आदमी खड़ा हो जाता है, परिवार के परिवार खड़े हो जाते हैं। लोगों को मैंने देखा, अभी भी मैं ये सूची में आपकी देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लगभग 30-40 लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोगों को मैं इनमें जानता हूँ कि जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और यदि ये अभियान के तहत यदि लिया जाए तो मुझे लगता है बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसलिए एक तो बुक बैंक जरूर बन जाए, दूसरा जो छात्र हैं उनको स्थान स्थान पर जो सामग्री, जो चीजें, जो उपकरण, जो उनके लिए जो जिसने अपना उपयोग कर लिया और वो अब मेरी किताबों को चाय की दुकान पर फाड़ करके पकोड़े खाने के काम ना आए वो किताब, बल्कि वो किसी गरीब के हाथों में जाए, वो किसी बच्चे के हाथ तक पहुंचाए, पहुंच सकती है, जरूरत है उसका रास्ता बनाने की। कोई भी यदि किसी परिवार में 100 किताबें हैं, 10 किताबें हैं, 20 किताबें हैं, आखिर कौन किसको दे वो, उसको थोड़ा सा यदि उसके साथ समन्वय करे, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इस काम को करना नहीं चाहता है, लेकिन उसका रास्ता बनाना पड़ेगा, उसका उसको योजनाबद्ध तरीके से उस तारतम्य बनाना पड़ेगा। तो ये कि बुक बैंक भी होना चाहिए और मुझे लगता है जो औद्योगिक क्षेत्र के लोग हैं, चाहे सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं, CSR हो, चाहे ISR हो, चाहे PSR हो, इन तीनों को मिल करके इस चुनौती को मुकाबला करना चाहिए। और बहुत सारे क्लब चलाते हैं लोग,
क्लब केवल लोग इकट्ठा होकर के मौज मस्ती के लिए ना स्वरूप हो जाए, बल्कि उनके जीवन में एक मिशन आ जाए। और मुझे लगता है कि क्योंकि उनके सामने जब जब ये बातें जाती हैं तो उनको महसूस होता है, वो करते हैं, लेकिन कराने वाला चाहिए उनको, उनको उस बात को पहुंचाने वाला चाहिए। ऐसा नहीं कि समाज में लोग काम नहीं करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। जरूरत इस बात की कि कौन बोल रहा है, एक क्या बोल रहा है, दो कराना क्या चाहता है, तीन करना कब है, चार और उसको रिजल्ट पाने वाला है कौन है। यदि वो ये तीनों चारों पांचों छठवीं चीज जुड़ती हैं तो मुझे लगता है मिशन मोड में हो सकता है, इसकी जरूरत है। और हमने तो हमेशा ये कहा है तमसो मा ज्योतिर्गमया, हम तो उस देश के लोग हैं कि हमेशा ही हमने अंधकार को मिटा करके रोशनी देने की बात की है। हम लोगों ने असतोमा सदगमय की बात की है, हमने मृत्योर्मा अमृतम गमय की बात की है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जरूरत हो गई है कि तमसो मा ज्योतिर्गमया, इस अंधकार पर कीमत पर मिटाएंगे और नई ज्योति जरूर देंगे। हर व्यक्ति के मन में ये भावना भेजना और उस भावना के अनुरूप काम करने का उसका रिजल्ट लेना, ये संवाद बनेगा, ये जुड़ा बनेगा, तो निश्चित रूप में ये अभियान हमारा आगे होगा। मुझे भरोसा है कि आज जिस मन से हम लोग एकत्रित हुए हैं, आज से ये मिशन मोड में जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं अनिता जी जरूर चाहूंगा कि अगले एक महीने में मुझे इसका रिजल्ट मिले। और मैं अपने माननीय राज्य मंत्री जी से विशेष बहुत विनम्र अनुरोध करूंगा कि वो व्यक्तिगत स्तर पर अनिता के साथ बैठ करके इसके लगातार समीक्षा करें। हम हर महीने समीक्षा करना चाहते हैं, प्लान बनाइए। मुझे भरोसा है ये देश जब एक बार खड़ा होता है तो इसने कठिन से कठिन चुनौती को किया है। अभी आपने कहा कि कोविड के समय इनकी क्या स्थिति है और तब क्या थी और भविष्य में क्या होगी, क्योंकि ये प्लान और कोविड के समय भी हम लोगों ने अद्भुत काम किए, हमारे छात्रों ने अद्भुत काम किया, हमारे अध्यापकों ने अद्भुत काम किया, हमारे लोगों ने अद्भुत काम किए हैं और इसलिए ये प्रमाण है इसके। हमने युक्ति पोर्टल को बनाया, जब लोग अपने घरों में रहे होंगे तब मेरे छात्र प्रयोगशालाओं में करके नए नित अनुसंधान करके आज हम गर्व से माथा ऊंचा करते हैं कि जो चीज 50 साल 70 साल में नहीं हो पाई, इस कोविड के दौरान मेरे छात्रों ने ऐसे ऐसे अनुसंधान किए हैं। आप युक्ति पोर्टल पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि क्या गजब देश है ये। हम लोगों ने वेंटिलेटर बनाए, मास्क बनाए, ड्रोन बनाए और उसकी किट बनाई, दुनिया तक को भेज दिया, जो हमारे पास था ही नहीं उसको तैयार किया और युद्ध स्तर पर वह दुनिया के लोगों को बांटने का काम किया। तो हमारे पास ताकत है, हमारे पास विचार भी है, हमारे पास विजन भी है, हमारे पास उस विजन को क्रियान्वित करने का मिशन की ताकत भी है। तो इसलिए मेरा भरोसा है, क्योंकि ये बड़ा टास्क है, ये छोटी बात नहीं है। और ये केवल इतना कहकर इतिश्री नहीं हो सकता है कि ठीक है कुछ लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे, अगला 1 करोड़ लोगों तक केवल पहुंचेंगे। यदि 1 करोड़, 2 करोड़ लोगों तक, यदि 25 करोड़, 30 करोड़ लोग आज निरक्षर हैं, तो आखिर 15 साल, 20 साल, 30 साल तक कैसे छोड़ सकते हैं हम इतनी बड़ी संख्या को। इसलिए मिशन मोड में 1 साल, 2 साल, 3 साल का ही मिशन बनाना पड़ेगा हर कीमत पर। और मुझे भरोसा है यदि मिशन बना दिया तो हम 2 साल में बहुत आगे जा सकते हैं। यदि हमने पूरे देश के छात्रों के साथ संवाद कर दिया, अध्यापकों के साथ संवाद कर दिया, संस्थाओं और संस्थानों के साथ संवाद कर दिया, तो मुझे भरोसा है कि ये मिशन हमारा बहुत जल्दी पूरा होगा। मैं एक बार पुनः जो लोग मुझसे जुड़े हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 के जो 8वें 2020 पर मनाने के लिए यहाँ पर जुड़े हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और यूनेस्को की डीजी जब पिछली बार आई थी तो उन्होंने कुछ बातों को कहा था, उनकी चिंता थी ये हिंसा क्यों हो रहा है, ये जो 2-3 जो चिंताएं थी, तो उसका सूत्र यही था जिसको हम नई शिक्षा नीति में लेकर के आई हैं, जीवन मूल्यों पर आधारित खड़ी शिक्षा, जो दूसरे को भी तेन त्यक्तेन भुंजीता, आप उतना ही उपयोग करें जितना आपके जीवन के लिए जरूरी है। आप बांटते हैं, हमने अपनी हमारी संस्कृति रही है दूसरों तक जाने की, दूसरों को चीजों को बांटने की, चाहे ज्ञान हो और चाहे अपनी कोई भी चीज दूसरों को समर्पित करने की, बांटने की, जो हमारी परंपरा रही, जो हमारे संस्कार रहा है, ये हिंदुस्तान
संस्थान फिर जो नई शिक्षा नीति के रूप में उसी भावनाओं के साथ जिसमें विश्व गुरु के रूप में रहा है, जिसमें इसने वसुधैव कुटुंबकम की बात की, जिसमें इसने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की परिकल्पना की थी धरती पर, जब तक एक व्यक्ति भी परेशान होगा तब तक मैं सुख का एहसास नहीं कर सकता। ये हमारा मिशन, ये हमारा विचार, इस विचार को जिंदा रख करके हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, ये खाइयां जरूर पड़ जाएंगी। मेरी शुभकामना और धन्यवाद। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। मान्यवर, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सब उत्प्रेरित हैं। आपके ऊर्जस्वी वचन यकीनन हमारे लिए एक ऐसा पाथेय है, संबल है, जिसकी ठोस बुनियाद पर हम निश्चय ही संपूर्ण साक्षरता के अपने लक्ष्य को यथाशीघ्र हासिल कर लेंगे। अस्तु, हम अनुग्रहित हैं माननीय आपके उत्प्रेरक उद्बोधन से। अब हम आदरणीय संयुक्त सचिव एवं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के महानिदेशक श्री विपिन कुमार जी से निवेदन करते हैं कि वे कृपया इस साक्षरता पर्व में आमंत्रित माननीय अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर अनुग्रहित करें। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण साथियों, सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा अपने आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय का, जिन्होंने अपनी व्यस्तता के बावजूद इस कार्यक्रम में हमें समय दिया। जब हम अपना कार्य निर्धारित कर लेते हैं उसके बाद जब सर रिव्यू करते हैं तो अपने जो व्यवहारिक अनुभव हैं उसके माध्यम से निश्चित रूप से सर हमारा मार्गदर्शन आप करते रहे हैं, और आज आपके इस जो हमें उत्साहपूर्ण शब्द आपने हमें दिए हैं तो निश्चित रूप से सर हम आपके जो टारगेट और जो लक्ष्य आपने हमें दिया है उस पर हम खरे उतरेंगे और पूरा प्रयास हम सर करेंगे, आपके निर्देशन में हम लगातार बढ़ने का प्रयास करेंगे। सर मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय का। सर हम हर्षित हैं, गौरवान्वित हैं आपकी उपस्थिति से, और इसी प्रकार सर आपका निर्देश हमको मिलता रहे यही सर से अनुरोध है। मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा शिक्षा सचिव श्रीमती अनीता करवाल मैम का। मैम, जिस प्रकार से आप हम सभी टीम के सदस्यों को अपनी धैर्य और शांति से गाइड करती रहती हैं मैम, तो उसी प्रकार से हम भी उसी धैर्य से और उसी शांति से जो हमारे देश के एक वर्ग है, जो वंचित वर्ग है शिक्षा से, उसको हम गाइड कर सके, अपना मूल्यवान योगदान हम जो शिक्षा विभाग की ओर से हम जो योगदान दे सके उनको मुख्य धारा में ला सके, तो निश्चित रूप से मैम हम प्रयास करेंगे, और इसीलिए मैम आपका हम धन्यवाद देना चाहेंगे। मैम इसी प्रकार आपका निर्देश मिलता रहे। मैम ने एक जो हमें कल स्लाइड भी दी थी इस विषय में, आज के उस पे जो मुख्य बिंदु है उसकी हमने एक प्रेजेंटेशन मैम ने बनाया है, उसको भी हम आज वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा रुमा मसूद जी का, जो यूनेस्को की प्रतिनिधि हैं। आपका जो एक संदेश हमें मिला है, निश्चित रूप से हम आपके साथ जुड़ के इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें, वो भारत ज्ञान की रोशनी में नए आयाम स्थापित करता रहे, यही आशा है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर दुबे का, जो आज यहाँ आए। आपने भले ही कहा काफी दिन के बाद मुलाकात हुई, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि आने वाले समय में हम और बारंबार मिलते रहें, और आपके जो सुझाव है निश्चित रूप से उनको हम कार्यान्वित करने की कोशिश करेंगे। मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा सभी अपने अतिथियों का, विश्वविद्यालय के जो हमारे कुलपति हैं उन सब का, और सभी जो विद्वान जन हमसे आज जुड़े हैं, और जो सभी पदाधिकारी हैं उन सब का, कि हम सब एक टीम के रूप में मिलें, जुड़ें, वो बढ़ते रहें, और जो जैसा हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा कि हम क्या 15 साल प्रतीक्षा करते रहेंगे, या इसी प्रकार से हम केवल 1 करोड़ का टारगेट रख के चलेंगे, तो मैं सर यही कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से मिशन मोड में चलेंगे, और सर की जो अपेक्षा है उस पर हम खरा उतरने का प्रयास जरूर करेंगे सर। और मैं आज अपनी बात समाप्त करने से पहले भारत के प्रत्येक नागरिक जो आज इस
साक्षरता दिवस पे हमसे जुड़ा है, उन सबको भी ये अनुरोध करना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सबके बिना ये हमारा जो मिशन है ये सफल नहीं हो सकता है। आप सब हमसे मिलके रहें और जुड़ें और इसी प्रकार एक कार्य योजना जो हम बनाए उसमें आपका सहयोग बिल्कुल और निश्चित रूप से अपेक्षित है। धन्यवाद। थैंक यू। कवि ने कहा है कि सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत तमाके बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है, सारा आकाश तुम्हारा है। आप सब भद्रजन यहाँ पधारे, हमसे इस अवसर पर व्यक्तिगत रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेबकास्टिंग के माध्यम से जुड़े, अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और साक्षरता की इस मुहिम में अपना सक्रिय सरोकार दिखाया, इस हेतु आप सबको धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। इसी के साथ यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, आप सबका हार्दिक आभार। जय।